गोटे मंच में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और एनसीपी प्रतिष्ठाता शरद पवार महाराष्ट्र पुणे में देशर दुई प्रमुख नेता गोटे मंच में एकाठी होती अवसर में मोदी को लोकमान्य राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार सम्मानित कर मंच में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री दुई उपमुख्यमंत्री पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थित थे कि रोचक कथ हो कि शरद पवार मोदी बेस हसखुशी से कथ हो इंडिया मेंटो ये अनास्था प्रस्ताव को पारित करने को उद्यम कर मेंटर प्रमुख चेहरा होती शरद पवार आ ठीक से बेले गोटे मंच में मोदी पवार एकाठी होगा विरोधी इंडिया मेंटो को मेंटर द्वंद को बढ़ाई पुणे विमानबंदर में प्रधानमंत्री पहुंचा पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार पुणे विमानबंदर में मोदी को स्वागत करते यापर पुणे प्रसिद्ध श्रीमंत दगुड़सेठ हलवाई मंदिर में पूजार्चना करते मोदी प्रधानमंत्री आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित एसत विभिन्न योजनार शिलान्यास मंच में प्रधानमंत्री लोकमान्य तिलक को पुष्पांजलि अर्पण करते मोदी स्वागत पर पुणे रास्तार दुईपाखे बीजेपी पताका मोदी पोस्टर लगता सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टि रखी पुलिस पक्ष कड़ा पहरा करा हरियाणा रे मेवात और सोहना दुई गोष्ठी मध्य विवाद उपजी हिंसा एत भयंकर होती कि गुरुग्राम फरीदाबाद में भी यार प्रकोप देखा मिली दुई गोष्ठी परस्पर उपरक पत्थर माड़ कर पाखापाखि 90 टी गाड़ी को भंगारुजा करने सहित तो निआ लगाई देखते दुई गोष्ठी बिवाद नहरू जहाँकि आरंभ होता तेरे नुह धार्मिक शोभायात्रा बेले एभली हिंसा स्थिति उपजी दुई गोष्ठी मध्य बिवाद तेजीबारु दंगा भली स्थिति होता जो थे कि तीन जन होमगार्ड को मृत्यु होता बेले एकाधिक आहत होती 10 रु अधिक पुलिस कर्मी आहत होती हिंसा को दृष्टि रखी नुहरे कर्फ्यू जारी करा तीन दिन पर इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई यह व्यतीत गुरुग्राम फरीदाबाद और रेवाड़ी में 144 धारा लागू करा स्कूल बंद रखा निष्पत्ति हिंसा को दृष्टि रखी अर्धसामरिक बलर 13 कंपनी घटनास्थल में पहुंच हरियाणा मुस्लिम बहुल अंचल नुहरे विश्व हिंदू परिषद द्वारा ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा चलता बेले हठात यह पथरमाड़ करते कि युवगोष्ठी परवर्त समय यह भयंकर हिंसा में परिणत होता हरियाणा पुलिस विशृंखला एड़ेबाकु जहाँकि लुहबुहा गैस प्रयोग करता से हिंसा जारी रही बेले गुरुग्राम निकटस्थ एक मंदिर में महिला और शिशुं समेत 2500 लोक आश्रय नहीं महाराष्ट्र थाने में बड़ दुर्घटना क्रेन खसी पड़ 16 जन श्रमिकों घटनास्थल में मृत्यु होती दुर्घटन में 3 जन गुरुतर थिबा सूचना मिली थाने जिला शाहपुर ठारे काम चलता बेले एभली अघटन घटी मेसीन ओजन बहुत थिबारु श्रमिक माने या तले चापी होई जाई समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे निर्माण काम में नियोजित थिला एक क्रेन तुरंत पुलिस और अग्निशम कर्मचारी पहुंचे भी उद्धार कार्य संभव हो पार नथिला एहा परे तुरंत एनडीआरएफ दुईट टीम घटनास्थल में पहुंची मृत श्रमिकों उद्धार कर पृथ्वी कक्ष छाड़ी चंद्र अभिमुखे यात्रा कर चंद्रयान 3 स्लिंस मध्यम चंद्र कक्ष आड़ छड़ा जाए एथसत ट्रांसलुनार एंजेक्शन बा टीएलआई सफल होने इसरो ट्विट कर सूचना आसंता अगस्त 5 तारीख में चंद्रयान 3 चंद्रर कक्षपथे पहुंचे और 23 तारीख में चंद्रर दक्षिण मेरू में लैंड कर चंद्रयान 3 दूरता पृथ्वी 236 किलोमीटर दूर रही बेले इंजिन को चालू कर चंद्रयान 3 लैंडर रोवर आउ प्रपल्शन मॉड्यूल रही लैंडर आउ रोवर चंद्रर दक्षिण मेरू में अवतरण करिबे एवं 14 दिन जाए सेठारे घूरिबो प्रपल्शन मॉड्यूल चंद्र कक्षपथरे रही पृथ्वी आसुवा विकिरण अध्ययन करिबो अगस्त 16 तारीख पर्यंत यह चंद्रर कक्षपथरे घूरिबो अगस्ट आरंभ ग्राहकों आश्वस्ति खसला एलपीजी सिलिंडर दाम केवल कमर्शियल गैस सिलिंडर दाम खसी 19 केजी कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर दर 99.75 कमी दर ह्रास पर दिल्ली में 19 केजी कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर दाम 1680 टंकारे पहुंची कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलिंडर दाम 1895 टंका 50 पैसा खसी 1802 टंका 50 पैसा रही चेन्नई में 1945 रु खसी 1852 टंका 50 पैसा पहुंची तेज घर एलपीजी सिलिंडर दर में कौन परिवर्तन होना हिमाचल प्रदेश हाईकोर्टर विचारपति भाव में शपथ ने रंजन शर्मा विपिन चंद्र नेगी राकेश कैंथला राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजन करा समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू उपस्थित थे
लॉरेंस बिश्नोई सहयोगी गैंगस्टर सचिन थापन को आज अजरबैजान दिल्ली अणाई पंजाबी गायक सिद्धू मुजेवाला हत्या घटन जड़ित कुख्यात अपराधी दुबई मुजेवाला को हत्या कर योजना करता बाकुरु सचिन थापन को हेफाजत में निया दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ताकु भारत आंछे सचिन अभियोग रही मुसेवाला को हत्या करिवार योजना करने सहित नकली पासपोर्ट रे अजरबैजान फेरार होता मामलें एनआई 16 जन को गिरफ्त करछी।